तो जो ये आज का टॉपिक है, इसमें इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया जाएगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इवोल्यूशन, जो हम जानते हैं कि जो भी डेवलपमेंट होता है हम सब में, वो डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, तो उसके पीछे के कई सारे फैक्टर्स हैं, वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो हो गया। अब ये अगला पॉइंट लिखा है क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, यानी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी को सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखते हैं, तो उनको किस बेसिस पे रखते हैं, यहाँ पर बेस दिया गया उसका इवोल्यूशन। यानी कि कोई भी जो क्लास इवोल्यूशन होता है ना, तो ये तो आपको पता ही है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ को हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, तो उसी ऑर्डर में हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ को। तो ये था इसका इनिशियल पॉइंट। अब जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ रास्ते, कुछ तरीके या कुछ टूल्स मिलेंगे जिनकी मदद से हम लोग जो है पहचान पाएंगे कि कोई किससे रिलेट करता है, कौन किससे रिलेटेड है। तो उसके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ ट्रेस करने के कुछ रूल्स हैं। तो उसका पहला रूल है ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब आप ट्रेस कैसे करोगे कि हम में इवोल्यूशन हुआ है, उसका कोई ना कोई तो मतलब प्रूव होगा। तो प्रूव का पहला टूल है यहाँ पर ये होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन, यानी बॉडी पैटर्न को बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, होमोलॉगस एक ये दिख रहा है और एक ये एनालॉगस दिखता है यहाँ पे। तो अब मैं इनके बारे में आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। होमोलॉगस मतलब देखने में एक जैसा दिखेगा। यहाँ देखिएगा आपको, ये जो चार स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये चारों के स्ट्रक्चर का बेसिक डिजाइन एक जैसा लग रहा होगा आपको, जबकि ये अलग अलग हैं, जैसे फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड और ह्यूमन, बट इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, देखिए आप ध्यान से देखिए, हाथ पैर वो मतलब उसी तरीके के दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा है, लेकिन हाँ ये लग रहा है कि ये सब एक जैसे हैं। अब देखो इससे ये पता चलता है कि जब ये एक जैसे दिख रहे हैं, यानी ये एक जैसे ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ये देखने में पता चल रहा है हमको। और हुआ ये होगा कि इन लोगों को अपने अपने जगह पर अपने अपने कामों को करने के लिए एक नया तरीका डेवलप करना पड़ा होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक एक कोई एक ऐसा कोई सामान है, जैसे मान लीजिए स्पून है, उस स्पून से मैं खाना खाता हूँ, मेरे घर में खाना खाया जाता है। सपोज आपके घर लेकर गए तो उस स्पून से आप मिट्टी खोद रहे हैं मान लीजिए, तो स्पून का स्ट्रक्चर तो सेम ही है पर उसका काम बदल गया, आपके घर पे जाके काम अलग हो गया, मेरे घर पे काम अलग है। तो यहाँ यही सिस्टम हो रहा है, ये पता चल रहा है कि ये दोनों चारों एक जैसे हैं। जैसे फ्रॉग है तो उछलने का काम करेगा, लिजर्ड है चिपकने का काम करेगी दीवार पे, बर्ड है वो उड़ने का काम करेंगे, और ह्यूमन है जो बाकी आप जानते ही होंगे। तो कहने से ये लगता है कि होमोलॉगस से ये पता तो चल रहा है कि हाँ ये सब के सब आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनके ऑर्गन्स एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये हुआ होमोलॉगस। और इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे यहाँ पर, आप बेसिक डेफिनेशन लिखनी है, मतलब बेसिक है, अपने मन से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पे ढूंढेंगे तो आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है सच अ होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अपारेंटली डिफरेंट स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, दो अलग स्पीसीज के बारे में आपको पता चल रहा है कि वो एक ही से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी मतलब काफी इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि दो अलग स्पीसीज हैं लेकिन वो हो सकता है कि एक ही जैसे हो। यानी कि हम ये समझ रहे हैं होमोलॉगस से कि स्ट्रक्चर सेम है, काम अलग है। अब काम अलग क्यों हुआ, क्योंकि उनको अपने अपने जगह पर अलग अलग तरीके की कंडीशंस का टैकल करना था, तो उन्होंने उस तरीके की आदतों को अपना लिया। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी होमोलॉगस वाली। अब ये जो दूसरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहेंगे एनालॉगस सिस्टम।
एनालॉगस का बिल्कुल होमोलॉगस से उल्टा कर दो। डेफिनेशन मैंने जो बोली थी होमोलॉगस की, उसका इसमें जस्ट अपोजिट बोलो। मैंने होमो, देखो एक याद है उसको दूसरा भी याद रहेगा, आप ये बात समझ के रखना। जिसे एक याद हो जाएगा उसे दूसरा भी याद रहेगा। अब क्या मैंने समझाया था पहले वाले में? स्ट्रक्चर सेम बट वर्क डिफरेंस, फंक्शन डिफरेंस। इसमें उसका उल्टा कर दो, इसमें फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग नहीं देखेंगे बोलो। यस बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यानी कि स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अलग है। जैसे बैट का जो आप अगर देखेंगे, बैट का जो ये विंग है उड़ने वाला, ये मसल से बना होता है, मस्कुलर होता है विंग, पर ये उड़ लेता है। ये मसल होती है इसके बीच में, यहाँ पे स्किन होती है, स्किन देखना, इसके पास फैदर नहीं होते, स्किन होती है यहाँ पे, यहाँ स्किन होती है। और ये भी कार्टिलेज जैसे है, ये उंगलियों के बीच में कार्टिलेज जैसे ये पाई जाती है चीजें, और ये तो फैदर से बने होते हैं। एक और लिख सकते हो इसमें, एक और लिख सकते हो, बोलो क्या लिखा मैंने? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई भी तो उड़ सकती है ना? यस सर। तो क्या क्या बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड के विंग और बैट के विंग्स अभी जैसे हुए? नो सर। ये तो कहीं से भी एक जैसे नहीं लग रहे हमको देखने में, पर काम तो सेम है। तो इस तरीके से हम इसमें नहीं पता लगा सकते कि इवोल्यूशन में ये कैसे एक दूसरे से साथ में है, ये बात तो याद रखना। इवोल्यूशन में कौन हेल्प कर, इवोल्यूशन ट्रेस करने में कौन हेल्प करेगा? होमोलॉगस वाला। एनालॉगस वाला इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करता है ट्रेस करने में, बात समझ आ रही है ना? एनालॉगस सिर्फ ये समझाता है कि हाँ हम तुम साथ साथ रहते हैं तो हम साथ साथ काम कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी मैंने एक बात बताई थी, जैसे यहाँ पर आयुष रोज अंदानी जो है ये छत्तीसगढ़ से आए, ठीक है, जो आदिवासियों का इलाका है ये वहां से बिलोंग करते हैं। पहले आयुष जंगलों में रहते थे, ठीक है, और वहां पर पत्ते 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 पहन के घूमते थे पहले वहां पे, ये ऐसे ग्रीन कलर के पत्ते लपेट के घूमते थे, ऐसे उलू करते थे वहां पे, ठीक है। तो एक और भी है, और हमारे मानव मेहता है, एक मानव आया है क्या आज की? नहीं आया, आए हैं सर, आया हूँ सर। मानव अपना मॉडर्न बॉय था, शहर में रहता था, ठीक है ना, ये दोनों अपना, ये अपने बाइक से चलता था और मतलब एक्टिवा से खूब 90-80-100 की स्पीड से भागता था दोनों। तो अभी ये दोनों अभी ये गांव से आए हैं, ये शहर से रह रहे हैं, पहले से ही रह रहे हैं, पर इन्होंने भी आके इनके ही जैसा काम चालू कर दिया। ये भी एक्टिवा चलाने लगे और ये भी भागने लगे, ये भी नए कपड़े पहनने लगे, पर इनके जो बेसिक जो बॉडी स्ट्रक्चर है इनसे काफी अलग है आयुष से। आप देखिए आयुष को देखने में और मानव को देखने में, देखिए दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि उसका हाथ पैर अलग है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये कोई और की बात कर लो या कोई और बात कर लो, छोड़ो हटाओ, ह्यूमन ह्यूमन के बीच में कंपेयर मत करो, ह्यूमन का किसी और से कंपेयर करा लो, ह्यूमन का कंपेयर करा लो डॉग से। अगर आप देखिए हमारे साथ डॉग जो रहते हैं वो हमारे साथ हमारा ही खाना खाना चालू कर देते हैं, वो भी सब्जियां, गाजर मूली से पत्ता गोभी वो भी खा लेते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं खा लेते हैं। तो देखो उनको भी अपने उसी तरीके के माहौल में ढलना पड़ रहा है, तो वो वही फूड अपना रहे हैं, यानी कि उनकी आदतें काफी काफी सेम हो रही हैं यहाँ पे। तो हम ये बात समझ गए कि जो एक जगह पर जो रहने लगेंगे आके वो उस तरीके के माहौल पर जो है बिलोंग करने लगेंगे। और समझने जो मैंने यहाँ पर जो मैं आपसे बता रहा था कि जो दो ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रहेंगे आके और उनको काम भी वही करना पड़ेगा, पर उनका बॉडी डिजाइन तो अलग अलग है, क्या वो सेम हो सकता है क्या? बोलो भाई, बॉडी डिजाइन तो अलग अलग है ही है, वो एकदम से बदल तो जाएगा नहीं। बोलो, जैसे इंसानों के साथ रह के कुत्ते इंसानों वाली हरकतें करने लगेंगे तो क्या वो इंसान बन जाएंगे? नो सर, हैं नहीं बन पाएंगे ना। तो ये बात आपको समझनी है।
ये बातें समझ में आ रही सबको जो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ मैं सामने? यस सर। यस सर। ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें जो आपको मैंने समझाया, है ना? यस सर। ठीक है। ये उसी सीक्वेंस का नेक्स्ट टॉपिक है, फॉसिल रिकॉर्ड को स्टडी करना। फॉसिल से भी तो हमको पता चलता है कि हम कितने पुराने हैं, कब हमारा जन्म हुआ, कब हमसे पहले लोग आए, इनसे भी रिकॉर्ड मिल जाता है हमको। और ये रिकॉर्ड हमको मिलता है तो उसी वजह से हमें मतलब एक डेटा मिलता है कि हाँ इतने लाख साल पहले लाइफ आई। तो फॉसिल एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक ऐसे मतलब अवशेष हैं या मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हैं जो प्रिजर्व हो गई और ओके ओके अपनी फॉसिल रिकॉर्ड को स्टडी करना। तो फॉसिल से जैसे नहीं डायनासोर के फॉसिल मिले बहुत सालों पहले मिले, अब हमको ये तो पता चल गया ना कि डायनासोर इतने पहले थे और वो मतलब इतने डेवलप्ड थे और अभी जो हम देखते हैं तो यानी इतने पहले लाख साल पहले ही लाइफ डेवलप हो चुकी थी, पर हमें वो अब पता चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें से पूछा क्या जाएगा, वैसे तो ये बोर्ड में से निकाला जा चुका टॉपिक, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, पर आपको एनटीसी के लिए ये अच्छा रहेगा, आप यहीं पर पढ़ लीजिए तो ये भी आपको एनटीसी में काम में आ जाएगा। जैसे कि फॉसिल में ट्री ट्रंक मिला, लकड़ी का टुकड़ा मिला हमको बहुत सालों पहले। फॉसिल में ये पूछा जाएगा कि इनवर्टिब्रेट फॉसिल का क्या नाम होता है, तो वहाँ अमोनाइट लिख के आना, मतलब टिक करने के लिए आएगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है तो ये आप याद रखना, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। इट मीन्स कि एनटीसी में पूछे जा सकते हैं फॉसिल क्या नाम है, इनवर्टिब्रेट फॉसिल का नाम क्या है। एक और ये डायग्राम आएगा बना हुआ एनटीसी में, पिक्चर आती है इसकी और बोला जाता है कि आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, तो ये आप इसको पहचान लीजिए, ट्रिलोबाइट गिनिथा, गिनिथा या क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते होंगे। इसके बाद राजा सूरस, ये डायनासोर का फॉसिल जो है और ये हमको गुजरात में ही मिला है, आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉसिल हमको गुजरात में ही मिला है। एसएस में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को ये स्टडी वगैरह जो आपको उसमें किया गया होगा। तो ये था फॉसिल रिकॉर्ड करना और उसको मेंटेन, मतलब ज्यादा नहीं आएगा लिखने के लिए, नहीं आएगा इसमें से कभी भी, बस हाँ ये एमसीक्यू आ सकते हैं। उसके बाद अब ये फॉसिल बनता कैसे है उस पर भी एक नजर डाल लीजिए, वैसे ये तो टॉपिक को बाहर का है। जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिट्टी में दब गया और अब मिट्टी में दब गया तो उसके ऊपर कई लेयर मिट्टी की पड़ती रही पड़ती रही पड़ती रही पड़ती रही और वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। अगर डिकम्पोज हो जाएगा तब तो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या होगा उसके ऊपर पत्थर गिट्टी मिट्टी और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आके गिर पड़ेंगे, तो वो दबा रहेगा और दबा चला जाएगा। तो ये फॉसिल स्टडी कहलाती है, पैलेंटोलॉजी कहते हैं इसको। और ये बहुत वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सॉइल में जो लेयर पाई जाती हैं उसमें किस लेयर पे हमको फॉसिल मिला है उससे एज पता चलती है, पहला तो ये तरीका होता है फॉसिल का। दूसरा एक और तरीका होता है, कार्बन 14 डेटिंग होती है इसमें, एक C14 कार्बन 14, उससे भी हमको डेट मिल जाती है कि वो कितना पुराना है फॉसिल। तो ये बात याद रखना, फॉसिल को मतलब मिल तो गया ठीक है, पर फॉसिल कितना पुराना है उसके लिए कार्बन डेटिंग, यहाँ नहीं लिखा होगा पर मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से एक टॉपिक है तो उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो ये आप लोग इस बात को याद रखना चल जाएगा कि हम कितने पुराने हैं, हमको पहले वाले होमोलॉगस एनोलॉगस से ये तो नहीं पता चलेगा कि पुराने हैं, लेकिन हाँ रिलेशनशिप पता चल जाएगी कि हम दूसरों से क्या रिलेशन करते हैं। अब आता है तीसरा टॉपिक, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इवोल्यूशन कभी भी एकदम से नहीं हो जाता है, जैसे हम सब भी आए तो क्या हम अचानक हम नहीं बन गए हैं, इंसान डायरेक्ट नहीं बने हैं, उनके पहले कोई और था, मतलब हम सब से मिलता जुलता था, कोई कॉमन एंसेस्टर था और वो बाद में मतलब एक जैसा आपको
हम लोग लगने लगे। तो ये कह रहा है कि देखो जैसे हमारी आंख बनी है, कोई कोई भी ऑर्गेनिज्म की आंख बनी है, तो जैसे ये प्लेनेरिया का नाम यहाँ पे है, आपको लास्ट ईयर वो पढ़ाया गया था उसमें। प्लेनेरिया क्या होता है, टेप वॉर्म ग्रुप से यानी वो प्लेटी हेलमेंथिस से बिलोंग करेगा, और पहली बार आई स्पॉट नाम की चीज इसमें पाई गई। देखो ये आई स्पॉट है, आंख नहीं है ये, आई स्पॉट है ये, तो ये पता चल गया। अब एक और बात देखो यहाँ पर बताई जा रही है, एक तो ये कि कोई भी चीज एकदम से नहीं बनती है, धीरे धीरे बनती है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आपको। दूसरा यहाँ इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, इस डायग्राम से कनेक्टिव लिंक पता चल रहे हैं आपको। कनेक्टिव लिंक मतलब क्या होते हैं कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि मान लो रेप्टाइल से एव्स बने, मतलब कि पहले रेंगने वाले एनिमल्स थे फिर उड़ने वाले आए, तो उनके बीच में ये था, ये सब थे उनके बीच में ये, और उसके इससे ये हमको सीक्वेंस पता चलता है कि ये लोग भी आए हैं बीच में, जिनकी वजह से उड़ने वाले लोग आए। जैसे कि आप ये देखिए, प्लांट्स और एनिमल के बीच में, प्लांट्स और एनिमल के बीच में कनेक्टिव लिंक बनती है, उसका नाम है यूग्लिना। ऐसे लिविंग और डेड के बीच में कनेक्टिव लिंक बनती है, उसका नाम है वायरस। तो ऐसे हर एक के बीच में कनेक्टिव लिंक बनती है, इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रुप से दूसरे, जैसे मान लो ये एक ग्रुप बना है, ये कोई है, इसके बाद ये दूसरा ग्रुप बना, तो ऐसा नहीं है कि ये दूसरा वाला ग्रुप डायरेक्ट बन गया, ऐसा नहीं है, उसके बीच में भी कोई रहा होगा, तो पहले ये वाला बना फिर ये वाला बना, वो ये कह रहा है कनेक्टिव लिंक से आगे बढ़े हम लोग, तो उनका कहना ये है। तो अच्छा, ये दो बातें थी, इससे आपको इवोल्यूशन बाय स्टेजेस के बारे में पता चल गया। ये क्वेश्चन भी एनटीसी में आ सकता है कि वाइल्ड कैबेज से कितनी सारी बातें चीजें बनाई गई। एक वाइल्ड कैबेज नाम की चीज है, एक जंग मतलब ऐसा पौधा होता है वाइल्ड कैबेज जैसा, अभी तो खैर वो मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ उसी से मॉडिफाई करके ये सब बातें या वो सब चीजें बनाई गई हैं। वो क्या क्या चीजें हैं तो ध्यान से देखिएगा। ऐसा स्ट्रक्चर, ये एक वेजिटेबल बनाई गई, इसको कोलराबी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसकी स्वॉलन स्टेम से बनाई गई है ये, मैं आपको यहाँ पर सब लिखता रहूंगा। ये किससे बनाई गई है, स्वॉलन स्टेम, मतलब खोल इसकी वाइल्ड कैबेज की स्वॉलन स्टेम को इस्तेमाल करके ये बनाया गया। कॉलीफ्लावर स्टेराइल फ्लावर से बनाया गया, मतलब जो फ्लावर से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है उस फ्लावर को इसमें इस्तेमाल करके ये बनाया गया है। अच्छा, ये जो ब्रोकली है ये अरेस्टेड फ्लावर, अरेस्टेड मतलब बंद हो गया फ्लावर, उसको कभी खुलने नहीं दिया, और ये बना है आपका लार्ज क्लोज लोकेटेड लीव्स, जो पास पास में लीव्स होती है ना, उनकी मदद से इसको बनाया गया है। जो पास पास में लीव रखी होती हैं, उनकी ही मदद से इसको डेवलप किया गया है क्लोज लोकेटेड लीव से। ये भी वही टाइप है, क्लोज लोकेटेड लीव का ही एक दूसरा टाइप है, और बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। केल जो है ये जो है लार्ज लीव से बनाया गया, लार्ज लीव से बनाया गया। तो ये बातें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। मैं इसके नोट्स नहीं बनवाऊंगा, केवल मेंडल तक के ही नोट्स बनाने हैं, उसके आगे के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में से निकाल दिया गया। तो ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, इसका एवोल्यूशन से कोई सीक्वेंस नहीं है, बस ये बीच में डाल दिया गया है केवल। अब जो अगला टॉपिक आएगा ये मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी है, इसका सीक्वेंस है, तो मैं ये क्या बताऊंगा इसके अंदर। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन किसके बाद आया। जैसे इंसान, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इन सबके डीएनए का फिंगरप्रिंट निकाल लो और देखो कौन किससे मैच कर रहा है। तो इंसान से सबसे ज्यादा जिसका डीएनए मैच करेगा, इसका मतलब इंसान उसके क्लोज है। अब उससे उसका डीएनए किसके जो है मैच करेगा, तो एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा, ऐसे 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 एक सीक्वेंस बनेगा, तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे। और हम उसको एक फाइलोजेनी मतलब होता है एक ऑर्डर में लिखना,
और जब ऐसे आप डिजाइन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको मेथड लिख देता हूँ कौन कौन से मेथड आज हम लोगों ने पढ़े। हमने इवोल्यूशन से जुड़े हुए हमने कौन कौन से मेथड पढ़े, पहला हमने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से पढ़ा, होमोलॉगस एनालॉगस फर्स्ट सिस्टम पढ़ा। ये इवोल्यूशन निकालने का पहला सिस्टम है ऑर्गन, ऑर्गन पैटर्न बोल दो या ऑर्गन सिस्टम बोल दो, दोनों बातें एक ही हैं। अब इसके बाद जो है अगला मेथड हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने सेकंड मेथड क्या पढ़ा, हमने फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल निकालना। तीसरा मेथड हम लोगों ने क्या पढ़ा, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, इवोल्यूशन बाय स्टेज, जिसमें हमने पढ़ा क्या पढ़ा इसके अंदर हम लोगों ने, हमने पढ़ा ऑर्गन डेवलपमेंट, ORGAN सही है ना स्पेलिंग, जी आएगा OR, ऑर्गन, ऑर्गन डेवलपमेंट समझते हो ना, धीरे धीरे ऑर्गन डेवलपमेंट हुए हम सबके, वो पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर या डीएनए फाइलोजेनी कह सकते हो, डीएनए फाइलोजेनी कह सकते हो, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कह सकते हो, तो ये हम लोगों ने चार पॉइंट्स पढ़े। ये बोर्ड में नहीं आएंगे, सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, पर आप सभी को मैंने एक बार फिर से समझा दिया ये, तो इसमें कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे बताइए और मैं इसके बारे में आपको फिर से समझाऊंगा। एक और पॉइंट है जो रिवीजन के लिए है, लास्ट में है बिल्कुल, वो एक अलग टॉपिक है। कुछ हुआ है वो किस तरीके हुआ है उसका एक यहाँ पर एक तरीका बताया गया है। इवोल्यूशन लैडर मॉडल से नहीं हुआ है, इवोल्यूशन ट्री मॉडल से हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो पौधे, जैसे ये मैं आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आप लोग ऐसे सोचेंगे कि जो इंसान बने हैं वो पौधों के बाद कीड़े बने, कीड़े के बाद मछली बने, मछली के बाद इंसान बने, अगर आप ये सोचते हैं तो ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि इंसान, अगर ऐसा हुआ होता तो आज इंसान ही नहीं होते, मतलब ये सब नहीं होते, मतलब ये अगर ये ट्रांसफॉर्म होते चले जाते तो आप ये नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते, सिर्फ इंसान दिखाई दे रहे होते, पर ऐसा नहीं है। सब अपने अपने ऑर्डर में डेवलप हुए हैं, सबका कॉमन एंसेस्टर तो रहा होगा कहीं पे, यानी यहाँ कहीं पे कॉमन एंसेस्टर होगा। जैसे आयुष के पांच भाई बहन है, पांचों भाई बहन डिवाइड हो गए इधर 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 इधर, और सबने जाके अपना 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 नया नया सिस्टम डेवलप कर लिया। तो ये था, बहुत सिंपल है ये, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको फिर से रिवाइज करा देंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।